नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी इंटरनेट न्यूज। मदरसा हनफिया अहले सुन्नत बहरुल उलूम मदरसा मऊ, मौलाना सनाउल्लाह साहब की याद में मऊ शहर में अमन शांति के लिए अच्छे कार्यों के लिए हर साल सना शांति अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस कड़ी में सीओ सिटी नरेश कुमार सर द्वारा राम सिंह एलआईयू भूपेंद्र सिन्हा को सन 2020-21 सना शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आपके सर आज उर्स मुहद्दिस का दिन है और इस मौके पे हम लोग हर साल सभी समाज सेवियों को पुलिस कर्मियों को सना शांति अवार्ड से सम्मानित करते हैं और इसी की वजह है कि आज तक सन 6 के बाद मऊ में कभी दंगा नहीं हुआ और इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ पुलिस से कुछ नहीं होता, जब तक आवाम जागरूक नहीं होगी तब तक कोई मामला हल होने वाला नहीं है। चूँकि मदरसा अहले सुन्नत बहरुल उलूम सूफी विचारधारा का है, इसलिए हम यही मैसेज देते हैं कि धर्म से पहले इंसानियत है। हम जब तक इंसान नहीं बन जाएंगे मुसलमान किसी कीमत पर नहीं हो सकते। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक फ़ोन पे आ गए, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वादा करता हूँ कि हमेशा हिंदू मुस्लिम के त्यौहार पे हम लोग मिलजुल के गले मिल के त्यौहार मनाएंगे। यहाँ का हिंदू मुसलमान अब बदल चुका है, हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे इस चमन में आए और चमन में फूल बिखेर दिया। सना अवार्ड जो है हमारे यहाँ के जो सत्ता पे सनाउल्लाह साहब की यादगार में मुहर्रम की 24वीं तारीख को उनकी यादगार में मनाया जाता है, क्योंकि कोरोना काल के संबंध में यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है, एक सांकेतिक रूप से कार्यक्रम किया गया है और इसमें मुझे और एलआईयू साहब को सना शांति अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ये अवार्ड पाकर और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम भविष्य में जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं मोदी जनता को? सना शांति अवार्ड के नाम से जैसा कि लग रहा है कि अमन चैन का एक सम्मान है, तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाई अमन चैन रखें शहर में और मिलजुल कर रहें। सर बहरुल उलूम के प्रबंधक और उप प्रबंधक द्वारा सनाउल्लाह शांति अवार्ड प्रसाद दिया जाता है, तो ये हबीबुल्ला टांगरी साहब ने सी सिटी साहब को हमें या साहब सारे पुलिस कर्मियों को आपने जो पिछले दिनों त्यौहार यहाँ बीते हैं सफल संपन्न हुए हैं, आप लोगों ने इतना हम लोगों को समझा कि हाँ ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए सम्मानित किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम लोग हमेशा इसी तरीके से सारी चीज़ें संपन्न कराते रहेंगे, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ नहीं हुआ है, सारा आप लोगों का सहयोग है जिसके कारण इस शहर में पिछले 2.5 सालों से मैं हूँ, कहीं भी किसी भी त्यौहार में या किसी भी प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई और सब आप लोगों का सहयोग है, जितने यहाँ लोग उपस्थित हैं सभी लोगों का इसी कारण ये संपन्न हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को किसी योग्य समझा।